नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग। कांग्रेस नेताओं को देश की उपलब्धियां न देखने की बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्माता है। मंगलवार को बैतूल की चुनावी सभा में पीएम ने कहा, हार तय देख कांग्रेस नेता बौखला गए हैं। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। एमपी में आज भी भाजपा है, 3 दिसंबर के बाद भी भाजपा सरकार है। राहुल गांधी ने सोमवार को हरदा की सभा में कहा था, मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए जब चीन में कोई मोबाइल खोले और पीछे लिखा देखे मेड इन मध्य प्रदेश। वो सोचे कि मध्य प्रदेश कहाँ है जिसने हमारी नौकरियां ले ली। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी टिक नहीं सकते। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। हार निश्चित देख कांग्रेस नेताओं में साइड इफेक्ट हुआ है, वे बौखला गए हैं। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनके भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि चिंता रहती है कि मोदी कहीं लॉकर खोल देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।